हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार चीज सीखने वाले हैं। गाइज, आप लोग देखे होंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट पर अगर बेस्ड है ना, या फिर आप लोग घर में यूज़ करते होंगे, आयरन हो गया है ना, हीटर हो गया, या फिर जो अंकल वाले जो पहले आते थे ना बल्ब 100 वाट का, उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि यार जो टंगस्टन का जो वायर होता है जो ग्लो करता है, एक्चुअल में वो देखिएगा कि कॉइल क्या रहता है। तो गाइज, उतना कॉइल करने का ज़रूरत क्या है, सीधा एक अगर लाइन दे दिया जाता, इट मीन्स अगर वायर जोड़ दिया जाता तो क्या वो बल्ब नहीं जलता क्या? तो गाइज, उसके पीछे कुछ रीज़न है या फिर ऐसे ही डाल दिया गया है? तो गाइज, आज हम लोग बहुत ही अच्छे वे में इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, है ना। हम लोग देखते तो हैं डेली, है ना, कि एक्चुअल में कॉइलिंग है। तो गाइज, बहुत लोगों को इसका रीज़न नहीं पता है, तो हम लोग गाइज एक्चुअल रीज़न हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो गाइज, जितना भी हीटिंग इफेक्ट पर जो बेस्ड होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि जितना भी हीटिंग इफेक्ट, आयरन हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे अप्लायंसेस जो कि अंदर में होता है कॉइलिंग, वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन कॉइलिंग क्या रहता है। मेन मकसद है हम लोगों का आज का टॉपिक यही है कि हम लोग उस कॉइल वाले रीजन को समझेंगे कि एक्चुअल में उसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या रीजन है। तो गाइज, इसके लिए पहले ना हमको दो चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, फिजिक्स में दो फार्मूला का। तो खैर, अभी हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं इसका एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक भी बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों का जरूरत पड़ेगा हीट का, है ना। हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो गाइज, ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड जितना भी मटेरियल होता है इसी फार्मूला पे सूटेबल होता है, ठीक है। तो गाइज, ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि ये फार्मूला होता है, ठीक है। और एक गाइज, हम लोग को फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि गाइज हम लोग जानते हैं कि जितना भी हीटिंग इफेक्ट पे जो बेस्ड होता है ना, हीटिंग तभी आएगा जब उस पे रेजिस्टेंस हो। देखिए, फार्मूला में भी रेजिस्टेंस आ रहा है ना, इट मींस हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस पर। गाइज, करंट पर भी है और टाइम पर भी है। अगर हम लोग, टाइम कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल, अगर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स अगर हम लोग ज़्यादा देर के लिए अगर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हीट होगा। खैर, वो तो हम लोग को पता है, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगा, लेकिन सबसे मेन फार्मूला का जो पार्टिसिपेशन है ना, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बिना हीट नहीं हो सकता है। इट मीन्स गाइज, यहाँ पर देखिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट कम ज़्यादा होगा, है ना, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी कम होगा। लेकिन एक और फार्मूला का जरूरत पड़ेगा रेजिस्टेंस का। तो गाइज देख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए। तो गाइज यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में रेजिस्टेंस तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, एक लेंथ ऑफ द वायर और एक एरिया ऑफ द वायर। तो गाइज देखिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगा, ये तो हम लोग समझ में आ गया। लेकिन गाइज, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के लिए किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो देखिए, फार्मूला पे इजीली दिख रहा है हम लोगों को, रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और एक है रेजिस्टिविटी। तो गाइज, एक यहाँ पर थोड़ा एक समझ लीजिए कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और गाइज, रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है एलॉय का, है ना, मतलब एक कोई मेटल का बात नहीं कर रहे हैं, अगर उसमें मिक्स कर देना, है ना, दो तीन मेटल जो एलॉय बनेगा, उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी देखेंगे कि जितना भी वायर बनाया जाता है, है ना, या तो आयरन में यूज़ कीजिएगा आप लोग, या फिर हीटर में यूज़ कीजिएगा, तो वो एलॉय से बनाया जाता है ताकि उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, और हम लोग को हीट ही तो चाहिए वहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं मेन, है ना, लेंथ और एरिया वाले। तो गाइज, यहाँ पर दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, बताइए, लेंथ का, और दूसरा पार्ट बताइए, रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। तो गाइज, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, है ना, इट मीन्स लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और गाइज, यहाँ पर देखिए, एरिया जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बताइए, रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है, इट मीन्स हम लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो एरिया क्या करना पड़ेगा, बताइए, कम करना पड़ेगा, है ना। तो एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग को कुल मिला करके ऐसा वायर चाहिए, क्योंकि हम लोग को हीटिंग इफेक्ट देखिए डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस हम लोग को ज़्यादा चाहिए ना। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के लिए हम लोगों को कितना चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, दो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, है ना। इट मीन्स लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ तो एक रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी तो मैंने अभी बता दिया कि एलॉय पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग को अगर मार्केट में ऐसा वायर अगर खरीदने का नौबत आ जाए जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो करना क्या पड़ेगा, देखिए, हम लोग को मार्केट से ऐसा वायर खरीदना पड़ेगा जिसमें हम लोग इजीली क्या कर पाएँ,
रेजिस्टेंस ज़्यादा कर पाएँ, तो उसके लिए ना तीन फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा देखिए गाइज लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, है ना, लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, और थर्ड चीज़ जो है सबसे अहम पार्ट देखिए बताइए एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो गाइज हम लोग अगर चाहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ना सबसे ज़्यादा हो तो हम लोगों को ये तीन फैक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। बोले कौन कौन सा, एक तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा, और गाइज रेजिस्टिविटी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है ना, हम लोग क्या यूज़ करेंगे बताइए एलॉय यूज़ करेंगे, है ना एलॉय। और लेंथ ज़्यादा और एरिया कम ये तो हम लोगों पे डिपेंड करता है, इसलिए देखे होंगे कि जितना भी हीटिंग इफेक्ट पर जो बेस्ड होता है ना उसका जो एरिया होता है वो एकदम पतला वायर होगा देखे होंगे, ठीक है। तो पतला इसलिए होता है क्योंकि एरिया कम हो, है ना, एरिया जब कम होगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। अब गाइज लेंथ ज़्यादा चाहिए ना, तो बताइए लेंथ हम लोग ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इसीलिए गाइज उसमें ना कॉयल कर दिया जाता है ऐसे देखिए, है ना, ताकि उसमें जो वायर का जो है लेंथ है ऑटोमेटिक क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए। गाइज आप लोग सोचिए अगर सीधा वायर दे देते तो उसका लेंथ कुछ और होता, अब इतना ही में अगर सपोज कीजिए बड़ा वायर है ना तो उसको लेंथ तो इतना ही में स्क्वीज होकर के आ गया, लेकिन सोचिए कि कॉइल किया हुआ है मतलब ज़्यादा लेंथ में उसको करंट का ट्रैवल करना पड़ेगा ना, तो गाइज इसीलिए कॉइल किया हुआ रहता है ताकि लेंथ ज़्यादा हो वायर का, तो लेंथ ज़्यादा होगा तो क्या होगा बताइए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग आयरन वगैरह में यूज़ करते हैं कि कोई भी वायर जो देखे होंगे आयरन में कैसे होता है बता देता हूँ थोड़ा, आयरन का शेप तो ऐसा होता है ना, तो इसमें ना कॉइल क्या हुआ रहता है साइड टू साइड ऐसा, ठीक है, मेटल के ऊपर ऐसे वायर, और देखेंगे पीछे से यहाँ पर दो वायर निकाला जाता है, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन दिया जाता है, तो इसलिए ताकि ज़्यादा लेंथ में वायर ज़्यादा लेंथ हो वायर का उसमें करंट ट्रैवल जो है ज़्यादा देर के लिए करे और हम लोगों का हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यार समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि कोई भी वायर आप लोग अब जब भी देखोगे है ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एरिया जो है सबसे कम होगा, है ना, और लेंथ ज़्यादा होगा। तो गाइज लेंथ तो ज़्यादा करने का एक ही उपाय है कि हम लोग उस वायर को क्या कर दें कॉइल कर दें, इसलिए हीटर वगैरह में ना कॉइलिंग स्प्रिंग के फॉर्म में वो वायर उन्ड कर दिया जाता है, कॉइल कर दिया जाता है ताकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, और मेन मकसद क्या है हीट ज़्यादा चाहिए, तो हीट ज़्यादा कब होगा बताइए जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।